उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानिश कनेरा 261। आप ही की फैमिली, आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह से मुझे मोटिवेशन देते रहिए और यूट्यूब फैमिली हमारी बढ़ती से बढ़ती चली जाए। आगाज करते हैं, आज का मैच खेला गया, वेरी इंपॉर्टेंट गेम था फॉर अफगानिस्तान बिकॉज दे आर कंसेक्यूटिव विंस जो है उनको धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुँचा रही है जहाँ अफगानिस्तान इज ड्रीमिंग टू कम इन टू टॉप फोर। छठे पे थी, आज जीतने के साथ पांचवें पोजीशन पर आ गई और खतरे की घंटी बजना शुरू कर दी है टीमों के लिए फॉर द फोर्थ प्लेस के लिए। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, उस पर आके चर्चा करेंगे। आज का मैच अफगानिस्तान फिर से बड़ा ज़बरदस्त जीता, कंफर्टेबली जीत गया। नैदरलैंड ने लखनऊ की सिटी पे मैदान पे ये गेम खेला गया जहाँ पर नैदरलैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अर्ली ऑन मुजीब ने अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू दिया, बर्सी को आउट कर दिया, फिर उसके बाद मैक्स ओद और अकरमैन खेल रहे थे अच्छा खासा। यहाँ पर मैं नैदरलैंड्स की थोड़ी सी एक्सपीरियंस की बात करूँगा, इतना ज़्यादा इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस आया नहीं है। देखिए, नंबर ऑफ रन आउट वॉज द मेन थिंग विच कॉस्ट देम टू नॉट टू गेट अ गुड इनफ टोटल ऑन द बोर्ड टू डिफेंड फॉर द बोलर्स। खाली 179 करने में कामयाब हुई नैदरलैंड्स की टीम। मैक्स ओद रन आउट, सिबाट रन आउट, फिर उसके बाद एडवर्ड रन आउट, ये तीन प्लेयर बड़े कमाल के प्लेयर हैं। तीनों ने पिछले मैचेस में रन्स किए और आज भी अच्छा खेल रहे थे। आज भी देखे कि मैक्स ओड ने 42 रन्स किए और वो रन आउट हो गया, व्हाट अ पुअर कॉलिंग। उसके बाद साइबान ब्रांड ने भी रन आउट हो गए 58 की, एक अच्छी इनिंग खेल रहा था, प्रेशर में रखा हुआ था अफगानिस्तान के बॉलर्स को, लेकिन उन्होंने भी उनके अफगानिस्तान के बॉलर्स ने आउट नहीं किया, उन्होंने अपनी विकेट खुद दे दी। फिर उसके बाद एडवर्स जो उनके कप्तान है, बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग करता है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, अच्छी बैटिंग करता है, वो भी रनआउट हो गई। ये तीन रनआउट की वजह से पूरी पूरी नैदरलैंड्स की टीम बिखर गई। नो डाउट नबी ने बहुत आला बॉलिंग करी है, नूर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, अगर ये रनआउट्स नहीं होते। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में और ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को सीखना बहुत ज़रूरी है कि रनआउट इज़ अ क्राइम, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। रनआउट, आपके कॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, यू नीड टू नो विच बॉल यू नीड टू रन। मिसफील्ड हुई है तो मिसफील्ड होके बॉल कितना दूर गया है, क्या फील्डर के हाथ में सामने की तरफ बॉल है मिसफील्ड होके या पीछे की तरफ गया हुआ है, सो यू कैन रन, कि मतलब ये देखना पड़ता है कि क्या मैं इस एरिया में पहुंच सकता हूं, इतना 22 यार्ड का जो विकेट है क्या मैं पहुंच जाऊंगा, बॉल कितना ज़्यादा तेज ट्रैवल किया है, बैट्समैन ने जो शॉट खेला है वो कितना तेज ट्रैवल होके गया है फील्डर के पास कि ही विल कलेक्ट एंड रिसीव द बॉल टू द कीपर वेरी क्विकली। ये सब चीज़ें देखिए ये सिखाई जाती है, ये शुरू के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और यंगस्टर्स के लिए भी जो मुझे सुन रहे हैं वो प्लीज़ ये देखें कि कॉलिंग बिटवीन द विकेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। येस और नो दे आर द टू वर्ड्स। आप येस करके बीच में जाके वेट कर दो, डैट इज़ नॉट ऑन एट ऑल। हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखते हैं कि ऐसा होती है, ऐसी गलतियां होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी करते हैं, बट बार बार ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आज नैदरलैंड्स वाले डेफिनेटली यही सोच रहे होंगे, यार हमने ये मैच अच्छा हो सकता था, बेहतरीन हो सकता था, अगर हमारे ये रनआउट्स नहीं होते और अभी हैड इनफ गुड टोटल ऑन द बोर्ड 270 जहाँ हमारे बॉलर्स डिफेंड कर पाते। लेकिन ये रनआउट्स की वजह से इंग्लैंड जो नैदरलैंड्स की टीम है वो पूरी की पूरी बिखर गई। फिर उसके बाद जिस तरीके से नबी ने बॉलिंग करी है, सीनियर मोस्ट प्लेयर है, एक्सपीरियंस है, काफ़ी लीग्स खेलता है, 9 में 31 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किया, 9.3 ओवर्स में 28 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए, और नूर अहमद ने 9 ओवर 31 रन 2 खिलाड़ी आउट किए। और देखे नैदरलैंड्स ने कोप कर लिया था, राशिद खान जिस तरह का बॉलर है, मैच विनिंग बॉलर है, उसको कोप कर लिया था, बड़े अच्छे तरीके से कोप किया। उसका उन्होंने एक माइंड में रखा था कि यार इसके ओवर में विकेट नहीं देनी, हमने इसको विकेट नहीं देनी है, इसको विकेट नहीं देंगे अफगानिस्तान वाले प्रेशर में आएंगे। क्योंकि आज जब नया बॉल किया अफगानिस्तान के बॉलर्स ने, मुजीब ने, लेकिन फजल उल हक फारूकी जो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे टूर्नामेंट में, ये मैच में उनका फॉर्म नहीं चली, उनकी बॉलिंग नहीं चली, 5 में उनको 36 पड़ गया था, मुजीब ने 10 में 40 देके एक खिलाड़ी आउट किया। दे वर डूइंग प्रिटी वेल, अजमतुल्ला ने 3 ओवर किए, बीच में आके 11 रन्स दिए उसने, लेकिन नैदरलैंड्स जो मैं समझता हूँ ये मैच हारा है ना, ये अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस की वजह से हार गया, और जिसकी वजह से अफगानिस्तान को एक ईजी विक्ट्री हासिल मिल गई। और जिस तरीके से रनआउट्स है किड्स, जो भी है यार, रनआउट्स के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। आप सिंगल डबल करने की प्रैक्टिस करें, जितना बॉल फील्डर के पास जाता है तेज़, क्या उससे मिस होगा, क्या यू कैन रीच ओवर द, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, रनआउट्स होने की वजह से अच्छे प्लेयर मिस आउट कर जाते हैं रन्स करने के लिए, और फिर आपकी टीम पूरी की पूरी प्रेशराइज हो जाती है। तो यह नीड्स टू वेरी, ये एक लर्निंग प्रोसेस
प्रोसेस है सबके लिए कि रनआउट जो है कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है आपकी टीम के ऊपर। फिर मैं अगर बात करता हूँ, जब अफगानिस्तान बैटिंग करने आती है, उन्होंने आराम से एक टारगेट 3 विकेटों पे, मतलब 3 विकेटें गिरी और उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, 7 विकेटों से मैच जीत लिया। गुरबाज जो अपना बहुत अच्छा खेलते हैं, पूरे टूर्नामेंट अच्छा खेलते हुए आ रहे, बड़े एक ऐसे प्लेयर है कि जिसको हर सारी टीम जो है थोड़ा घबराती है, क्योंकि ये शॉट्स बड़े ज़बरदस्त मारते हैं, लेकिन आज जो है कुछ ना कर सके, 10 रन पे आउट हो गए। अर्ली इन्होंने 2 विकेट ले ली। देखें, अब नेदरलैंड्स ने 27 रन पे इनके 2 खिलाड़ी आउट कर दिए, तो फिर 55 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, फिर 129 पे तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ। और लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी शाहिदी की और रहमत के, दोनों ये इस टूर्नामेंट में या ऊपर से रन होने, ये दोनों आके नीचे से भी अच्छा खासा सपोर्ट देते हैं अपनी टीम को, रन्स करते हैं, और डैट इज़ वाई दे आर बिल्डिंग अप अ गुड टीम। अभी थोड़ा यहाँ बात करते हैं, अफगानिस्तान ने नो डाउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एक अच्छी पोजिशन में आ रही है कि जहाँ पर वो अपने आप को मान सके। पहले तो हम देखते हैं, 4th नंबर पर है न्यूजीलैंड, जिनके 8 पॉइंट हैं प्लस 0.48। अफगानिस्तान के जो पॉइंट है वो 8 है, माइनस 0.330। फिर पाकिस्तान है जिनके 6 विक्ट्री है, माइनस 0.024। इसके हिसाब से कि नेट रन रेट अफगानिस्तान का बेहतर हो चुका है, पाकिस्तान से वो बेहतर जा रही है। अभी यहाँ पर देखना है कि न्यूजीलैंड और कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये न्यूजीलैंड मैच जीतती है तो न्यूजीलैंड तो 10 पॉइंट के साथ ऊपर चल जाएगी, 4 पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, क्योंकि वो अगर मैच हारती है जीतती है वो डिपेंड करता है। लेकिन अफगानिस्तान के मैचेस जो है, अगर मैं यहाँ मैचेस की बात करूँ ना, दे हैविंग अ टफ कॉल। पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड के खेलेगा, न्यूजीलैंड चाहेगी जीतना, पाकिस्तान भी चाहेगी जीतना, टॉप 4 में आने के लिए बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। जो ऑड्स कहते हैं न्यूजीलैंड आर फेवरेट, बट पाकिस्तान हैव अ चांस द वे दे प्लेड लास्ट फ्यू गेम्स, उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की है, अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे, बेहतर अंदाज से क्रिकेट उनको और खेलनी पड़ेगी न्यूजीलैंड के सामने, बिकॉज न्यूजीलैंड विल बी नॉट ईजी टास्क। और न्यूजीलैंड क्योंकि हारते हुए आ रही है, दे विल नॉट वॉन्ट टू लूज अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर दैट टू रिमेन इन टॉप 4। फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंग्लैंड का तो जीतना कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड का खाली एक ही फायदा है जीतने का, कि वो क्वालिफाइंग राउंड्स ना खेल पाए, जिसके लिए उनको पॉइंट्स कलेक्ट करके ऊपर आना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो डेफिनेटली फेवरेट है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली मार देगी, क्योंकि इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा है। फिर इंडियन साउथ अफ्रीका का मैच है, एक और ज़बरदस्त मैच इस में खेला जाएगा, जहां पर साउथ अफ्रीका विल ट्राई टू मेंटेन विनिंग, और इंडिया जो है जो अपना विनिंग स्ट्रीक बना के रखी हुई, दे विल ट्राई टू मेंटेन दैट एंड क्रश साउथ अफ्रीकन्स, एंड इंडिया विल विन दैट गेम डेफिनेटली। फिर बांग्लादेश श्रीलंका माइनस, फिर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का। देखिए यहाँ पर अपसेट क्या है कि अफगानिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को मार देता है, अगर अफगानिस्तान ऑन टॉप आ जाता है, तो फिर खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान के पॉइंट्स में काफी 10 पॉइंट हो जाएंगे उनके भी, सो दे विल बी इन उनके पास भी एक मौका मिल जाएगा टॉप 4 में जाने का। और फिर नेदरलैंड और इंग्लैंड है, फिर न्यूजीलैंड और श्रीलंका, न्यूजीलैंड डेफिनेटली श्रीलंका को मार देगा, तो न्यूजीलैंड हैव अ चांस अगेन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बड़ा क्रुशियल है पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में रहने। फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, जहां पाकिस्तान अगर कल का मैच जीतता है 8 पॉइंट होते हैं, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेलता है तो 10 पॉइंट होते हैं। तो ये सिचुएशन बन रही है अभी फिलहाल इस टूर्नामेंट की। और इंडिया का आखिरी मैच जो है इस टूर्नामेंट का बिफोर गोइंग टू सेमीफाइनल अगेंस्ट नेदरलैंड्स, तो काफ़ी सूरत हाल इस तरह से है कि भाई कुछ भी हो सकता है। अफगानिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को मार देता है तो उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को मार जाएंगे तो उसके भी 10 पॉइंट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान को मार देता है तो 10 पॉइंट हो जाएंगे, पाकिस्तान और नीचे आ जाएगा, पाकिस्तान के 6 पॉइंट है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को मारता भी है तो 8 पॉइंट होते हैं। सो फार द सिचुएशन विच इज हैपनिंग ओवर हियर, इट्स वेरी ट्रिकी, यू नेवर नो व्हाट हु विल बी द 4th टीम, इट इज बिटवीन द टसल बिटवीन न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो गाइज कीप वॉच आउट, ऑल दिस मैचेस बड़े ज़बरदस्त गेम हो रहे हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारोज गेम। वेल प्लेड टीम अफगानिस्तान, यू आर डूइंग प्रीटी वेल इन दिस टूर्नामेंट, होप टू सी अ न्यू टीम कमिंग इन की सेमीफाइनल्स। बट यहाँ से लूँगा आपसे अलविदा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, प्लीज़ रियली टेक केयर, भगवान आपके ऊपर आपके परिवार पर सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू गाइज।